आहो एक कोना खबारिया आ बेटा के होया खबारा हुआ बैठ बेटा आमर जी हम आई चली गई अमर जी तरा एक ना खबरिया बेटा दुलारा के आकबाता जवाब दे भाई राजी के आकबाता जवाब रे दई बारे देवै महालो कवना चबा देवै रानी जी के जाय कवना चबा देवै रानी फूलाबा मैया जी सया आ दिन पट साला बेटा पार न गल एक ना खबरिया भाई दुलरा क्या बेटाया मर्जी तके क्या स्वामी मैं क्या दिख रही हूं आप किस भेष में क्या हुआ स्वामी आप ये उजले उजले कपड़े सादा कपड़ा क्यों पहने स्वामी आप क्यों चुप हैं स्वामी बताइए स्वामी क्या हुआ आपको बताइए स्वामी बताइए क्या हुआ स्वामी बताइए आखिर आखिर क्या बात है जो मुझे छुपा रहे हैं मेहरानी फुला क्या मैं क्या बताऊं स्वामी क्या हुआ जो ये इस सुबह नहीं दे रहा स्वामी आप बताइए आखिर ये आपने सादे कपड़े क्यों पहने आप जो देख रही हो मेहरानी राजशाही पोशाक उतार के और गले में उतरी इसलिए पहने हैं मेहरानी तू जानती नहीं स्वामी मैं तो नहीं जानती हूँ आखिर बताइए क्या ऐसी बात है जो आज आपने ये सादा कपड़ा पहने राजशाही पोशाक उतार कर मेहरानी फुला एक समय की बात है भाभी सोना ने आके मुझसे सच करा ली सच करने की बात कहने लग गई देवर जी ये अपने सच किए हो अगर सच से बेसच जाते हो तो अस्थि कोंड नरक में वास होगा आखिर ऐसी कौन बात थी जो आपसे सच कराए जब मैंने सच कर चुका मेहरानी तो आज भाभी सोना ने बहुत तनी भरी बात बोली क्या कैसी तनी भरी बात मुझे बोलने में जीविया लड़खड़ा रहा है मैं कैसे मेहरानी फुला की बताऊं
स्वामी कल बर्दाश्त करेगी कि नहीं करेगी भगवान। हे स्वामी आखिर पति पत्नी को नहीं बताएंगे तीर्थिवाद, पत्नी पति को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? क्यों नहीं बेरानी बताइए स्वामी, ऐसी क्या बात है? क्या बता दूं? हाँ स्वामी बताइए स्वामी। ए जो आज तूने सफेद धोती पहने हुए देख रही हो, गले में कफन देख रही हो, हाथ में कच्चा करची देख रही हो, ये किसका है मेहरानी तू जानती हो? नहीं स्वामी मैं तो नहीं जानती हूँ, इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। राज भाभी सोना ने सच करा के बताओ मेहरानी। बताइए स्वामी। याद बेटा अमरजीत को हमसे मौत मांग लिया। बेटा अमरजीत को? हाँ। क्या हुआ? मैं अपने हाथों से बेटा अमरजीत को हत्या कर दिया। क्या आपने अपने हाथों से मेरे पुत्र? हाँ मेहरानी। नहीं नयन बाल बीच हो जा कैसे के मन पैदई बार कैसे मन रही दैबा है रानी जी के या कल जमा दैबा रंग महालो कैसे हो मारी देला के जा के मगर रानी सतपा करई के माती हे भगवान ये तो नहीं ठेकाना मिली महाबाहरा कर कष्ट है
मेहरानी, मैंने अमरजीत कुमार की घनी घोर जंगल में ले जाके अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया मेहरानी। बेटा के जो पुरुष एक बार मर जाता है वो अमराज के घर चला जाता है, फिर लौट के नहीं आता है। ऐसा करो मेहरानी, चलो दोनों प्राणी भाभी सोना के पास चलते हैं और बेटा अमरजीत की काम क्रिया के लिए कुछ पैसे उसे मांग लूंगा। कैसे के धारा सभी भगवान हो गुजारी आई सामी जी चल बंगल कैसे इधर
राजा बने रावई हो या कैसे तेरा जैसा भी बन भाई बागला अमरजीत सिंह अभी तक मेरे पास नहीं आया है। अगर गया होगा तो मेरा भाई राज महबा गया होगा, क्योंकि माँ का उसे बहुत याद आ रहा था। हो सकता है वह गेंद ढूंढते ढूंढते वह माँ से मिलने के लिए चला गया होगा। इस वक्त मैं यहाँ से राज महबा की ओर चलता हूँ। अगर अमरजीत सिंह राज महबा में होगा तो मैं अपने भाई को फिर वापस अपने इस काशी विश्वविद्यालय में लेकर आ जाऊंगा। अरे यहाँ का जोरी हमार छोरा रे हमार कोरा, आर जतरा बना तू रे मोहब्बा के याई रे सिद्ध तो डगरिया रे चलू माता न जदी रे। भैया सुन लो इंदल सिंह का बात रे बकरा रहिया है दरबार का इंदला चाले बराबर चाल तला दीवाना रे जो बगला का भाजल बेला का दरबार लगा कचहरी रे जो बगला रे जाज। मैं राज भवन आ गया हूँ। जरा मैं अपनी माँ सबसे पहले सोना को बुलाता हूँ। क्या मेरी माँ रंग भवन में है या इस वक्त कोई काम कर रहा है? जरा मैं अपनी माँ को आवाज लगाता हूँ। माता या जो सुनला के सोना के सुकुमार तुलरा पुकारा करई छौगे राजा तारा पा एक बेरिया जो माता बेटा ना जदे